कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो कहा गया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये बात सुनी है बचपन से। अभी जब कोर्स शुरू होता है, अभी से बैंकिंग का कोर्स शुरू हुआ, सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा सर? यानी हम कर्म से पहले ही फल की चिंता ही करते आ रहे हैं, और हम ये लॉजिक भी दे देंगे, अरे क्या बेवकूफी वाली बात है, आदमी कर्म करता किस लिए है? ये क्या कह दिया, कर्म करो फल की चिंता मत करो? तो वही वाली बात है कि आप बात जिस तल पे कही गई है और आप जिस तल पे हैं, तो बात जो है वो ऊंचे तल पे जाके कही गई है, वो निचोड़ है, दिमाग उसके लिए लगाना पड़ेगा, और आपका तल है बहुत नीचे। तो हम वो वाली मेहनत नहीं करना चाहते कि अपना थोड़ा लेवल बढ़ा करके उस तल तक पहुंचे जिस तल पे बात कही जा रही है। हम उसी बात को नीचे ले आते हैं और फिर अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर देते हैं। तो जो भी पुरानी बातें कही गई हैं वो निचोड़ हैं। आप जब कर्म के दौरान फल की चिंता करेंगे तो आप कर्म के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल हैं ही नहीं, और जब आप कर्म के लिए पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हो तो फिर रिजल्ट कहां से मिलेगा? मतलब हाउ इज इट पॉसिबल, एज सिंपल एज दैट। तो आप अगर ये सब बातें बोलते हो कि आई हैव गिवन माई 100% बट रिजल्ट नहीं आया, तो भाई हाउ इज इट पॉसिबल व्हेन यू आर नॉट 100%? आप जो हैं वही 100% नहीं हैं, तो फिर आपसे निकला हुआ काम कैसे 100% हो जाएगा? आप तो डिवाइडेड रहते हो, काम के दौरान तो आपको फल की चिंता हो रही है, और जो ये सब लिखते हैं हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जबकि क्लास चल रही है, कोई कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, बट स्टिल वो कमेंट कर रहे हैं, उनका पक्के तौर पर नहीं होगा और वो जिंदगी भर असफल रहेंगे, ये बताया जा सकता है ऐसे लोगों से के बारे में, अगर उनकी आदतें नहीं सुधरी तो। ये बेचैन आत्माएं होती हैं, जहां रहती हैं वहीं नहीं रहती, बात कुछ और होगी, वो बात कुछ और करेंगे, क्वेश्चन पूछ लेंगे यहाँ पे, सर वोकैब कैसे इंप्रूव करें, बात हो रही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या अखबार को पढ़ने की या कुछ भी इस तरह, उससे अलग क्वेश्चन। तो ये दिखाता है कि ये बेचैन मन है जो लगातार कहीं ना कहीं भाग ही फिर रहा है, कहीं एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता।